Chapter number 7, exercise 7.1, question number 4. What is the place value of each digit in each of the following? Okay, question number 4. हमें इसके अंदर क्या बताना है? सबके digits की place value बतानी है, ठीक है? तो A is 27.3. यहाँ पर decimal में दिया हुआ है, कल हमने place value के बारे में discuss किया था. Decimal से पहले, decimal के बाद वाली जो value है, वो स्टार्ट होगी और डेसिमल से पहले वाली वैल्यू वंस टेंस में चलेगी. तो टेंथ, टेंथ, फिर उसके बाद वंस एंड देन टेंस. तो थ्री जो है वो टेंथ में आ जाएगा. ओके, सेवन इज द वंस प्लेस वैल्यू एंड टू इज टेंस प्लेस वैल्यू. ठीक है, इसी तरीके से आपको प्लेस वैल्यू हर एक डिजिट की बतानी है. ओके, नेक्स्ट वन 6.27. ओके, सी इज 6.27. आंसर अगेन डेसिमल के बाद टू डिजिट है, तो ये टेंथ प्लेस वैल्यू, ये हंड्रेड. तो आपको सी के अकॉर्डिंग करनी है, हंड्रेड. ओके, देन टेंथ, और डेसिमल के बाद वन डिजिट है तो वंस प्लेस. ओके, तो वंस प्लेस पे सिक्स, टेंथ पे टू, देन हंड्रेड पे सेवन. ओके, इसी तरीके से आप अपना प्लेस वैल्यू को लिखेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यू सॉल्व होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. जैसे कि आपको पता है एक्सपेंडेड फॉर्म में हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग किया है. अब हम किस में करेंगे? डेसिमल वैल्यू के अकॉर्डिंग. ठीक है, डेसिमल में जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि डेसिमल वैल्यू जो लिखी जाती है वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is B, A is 32.7. आंसर देखिए, वंस इंडियन, इसकी वंस हो गई, इसकी टेंस हो गई, तो क्या बोलेंगे? इसको 32 बोल रहे हैं, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में भी 30 + 2. ओके, देन अगेन प्लस 7 इज अ डेसिमल वैल्यू, तो 7/10, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10th है. ओके, नेक्स्ट इज बी 152.1. तो 2 की प्लेस वैल्यू 1, 10th 100. तो 1 को किस पोजीशन पे लिखेंगे? 100. देन 5 इज अ 10th, तो 50. 2 इज अ 1, तो वी विल राइट ओनली 2. देन अगेन प्लस 1 प्लेस वैल्यू ऑफ 10th, तो 1/10. ठीक है, इसी तरीके से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. ओके, तो ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है. ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, फ्रैक्शन टू डेसिमल. मतलब आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है उसको डेसिमल में लिखना है, और डेसिमल में यदि दे रखी है तो हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे. ठीक है, तो 7.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट आगे टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन फ्रैक्शंस टू डेसिमल. डेसिमल, ठीक है, तो फ्रैक्शन में वैल्यू दी है आपको 25/100. ठीक है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शंस में एक वैल्यू होती है न्यूमरेटर, सेकंड वैल्यू इज डिनोमिनेटर. ओके, सो हम हमेशा से क्या ध्यान रखेंगे, ऑलवेज राइट हियर टू, ऑलवेज रिटन हियर सो मेनी डिजिट्स. ओके, कोई सी भी आपको डिजिट लिखी हुई हो, जैसे कि यहाँ पे 20 लिखी हुई है, तो हम ऊपर देखेंगे कि क्या 2 डिजिट है. यहाँ पर कोई सी भी कितनी भी जीरो दे रखी हो, वॉट एवर गिवन हियर, 10 या 20 या 30, जितनी भी जीरो दे रखी हो, आपको उसी के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में डिजिट देखनी है. यहाँ पे 20 दे रखी है, तो ऊपर कितनी डिजिट होनी चाहिए न्यूमरेटर में? 2. तो हमने देख लिया 1, 2
ओके, वन टू, वन टू डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे आप जीरो लिख देंगे 0.25। डेसिमल से यहाँ पे हमने जीरो लिखा, सिर्फ जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज 356/10, यहाँ पे कितनी जीरो है, जी वन, तो वन डिजिट को ही ऊपर हम काउंट करेंगे, ओनली सिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में कितनी दी हुई है, 1, 2, 3 डिजिट दी हुई है, लेकिन हम जीरो के अकॉर्डिंगली ऊपर की डिजिट को काउंट करेंगे। यहाँ पे 10 है तो 1 डिजिट काउंट किया सेफ एंड पुट द डेसिमल 335.6, ठीक है। 10 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल, अगर 20 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट इज मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू 5/15/10, ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। तो नीचे कितनी जीरो दी हुई है, 1, तो लेकिन न्यूमरेटर में कितनी है, 2, और इस जो होल फ्रैक्शन, होल वैल्यू है, होल नंबर है, वो तो एज इट इज लिख देंगे, ये 5 तो एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे कितनी जीरो है, 1, तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, ये 1 भी एज इट इज आ जाएगा एंड 0.5, ठीक है, 51.5, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट 1, 2/100, ये मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू है, होल नंबर वी विल राइट सेम एज वेल एज, एंड डिनोमिनेटर गिवन हियर 20, एंड न्यूमरेटर डिजिट इज ओनली 1, तो वी विल मेक अ 2 डिजिट नंबर, हमने यहाँ पे 2 डिजिट बना दिए इसको, 2 और 0, 0 लगा करके इसको 2 डिजिट बनाया है, और 2 डिजिट के बाद ही हम डेसिमल लगाएंगे, 0, 2, देन पुट द डेसिमल, इज दैट क्लियर। इसी तरीके से हम डेसिमल्स को, फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट डेसिमल कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस, मतलब कि अब आपको इसका जस्ट अपोजिट करना होगा, कि अभी तक तो आपको फ्रैक्शंस में वैल्यू दी हुई थी तो हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब हमें डेसिमल में वैल्यू दे रखी है तो डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस में आपको कन्वर्ट करना होगा, ओके। लाइक दैट नंबर एग्जांपल इज 5.32, ओके, 5.32, इट मींस इसको गेट, इट्स अ डेसिमल नंबर एंड कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, ओके। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट दे रखे, 1, 2, तो हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल के बाद जीरो काउंट कर लो, डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करिए, 1, 2, तो हम नीचे क्या लिख देंगे, 20 लगा देंगे, एंड डेसिमल रिमूव करके राइट हियर 532, ये इट्स अ फ्रैक्शन वैल्यू। नेक्स्ट इज अ बी 7.23, ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो वी विल राइट हियर इन 100 20 and remove the decimal, write the 723, 723 100, is that clear? तो इसी तरीके से आपको कितने भी decimal के बाद digit दे रखी हो, उतने ही digit को count करके हम decimal zero लगा देंगे, okay? Now we will start the exercise number 7.2, okay? It's a very easy, क्योंकि decimal value है तो fraction में convert करना है, fraction है तो उसको हमें डेसिमल में करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, उसका आपको डेसिमल में करना है। 7/10, नीचे कितनी जीरो दी हुई है, 1, तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ऊपर भी 1 डिजिट है, then put the decimal and sum 0.7. next is C 45/100, okay, how many zero given here, 2, and put the decimal, count 2 digit, 1, 2, then put the decimal, okay, 0.45, okay. next is E 9/100, ओके, हाउ मेनी जीरोस, 2, एंड हाउ मेनी डिजिट्स इन न्यूमरेटर, 1 ओनली,
ओके. फर्स्ट वी विल मेक द टू डिजिट. ओके, हम इसको टू डिजिट में बनाएंगे. यहाँ पे जीरो लगा करके, ठीक है, तो टू डिजिट हो गए, तो 0.09. ठीक है, अगर आप 0.09 लिखेंगे, इस जीरो को नहीं लिखेंगे, 0.09 लिखेंगे, तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट इज जी 374/10. 374/10, हाउ मेनी जीरो? वन ओनली, तो पुट द डेसिमल वन डिजिट, 37.4. ठीक है, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपसे पूछूंगी. यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज फ्रैक्शंस. ठीक है, अब आपको क्या है, डेसिमल में दिया हुआ है, हमें किसमें कन्वर्ट करना है इसको? फ्रैक्शंस में करना है. इसके जस्ट अपोजिट हो गया, तो बस हमें डेसिमल का, डेसिमल के बाद की डिजिट को काउंट करके उतने ही जीरोस डेसिमल लगा देना है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर टू बी 2.3. ठीक है, क्या दिया हुआ है? 2.3 दिया हुआ है, तो 2.3 में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हो गई? 1. तो पहले तो हम रिमूव कर देंगे डेसिमल को, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1. तो राइट हियर ओनली 10. ठीक है, नेक्स्ट इज सी डी 0.75. ओके, नंबर इज 0.75, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2. तो हम केवल 75 लिख देंगे, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2.0. ओके, नेक्स्ट इज एफ 137.9. ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 1. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव कर दोगे, रिमूव करके कंप्लीट डिजिट लिखेंगे, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 10. ओके, नेक्स्ट इज एच 12.17. ओके, आंसर इज डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो पहले डेसिमल को रिमूव कर दीजिए एंड 2 0. ओके, ये आपकी 7.2 भी ऑल्सो कंप्लीटेड. ओके, एंड इफ एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी.